आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टू एंट्स बिगिन ऑन ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ऑन ईच मूव दे ट्रैवल अलोंग एन एज टू एन एडजेसेंट वर्टेक्स। तो मतलब कि अगर मैं सबसे पहले एक ऐसा क्यूब बनाऊं, ठीक है, मैंने ये क्यूब बनाया, ये जो मेरे एजेस हैं ये पीछे वाले जो एजेस विजिबल नहीं होंगे वो है, तो हमें यहाँ पे बोलना है ऑन ईच मूव दे कैन ट्रैवल अलोंग एन एज। मतलब हर मूव में अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, या यहाँ से यहाँ किसी एक एज पे चलना है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ रिटर्न टू देयर स्टार्टिंग पोजिशन आफ्टर फोर मूव्स इज एम बाई एन, वेयर एम एंड एन आर रिलेटिवली पॉजिटिव इंटीजर्स, देन एम प्लस एन इज। टू एंड्स आर ऑन द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। मतलब अगर मैं एक एंट यहाँ पे मानूँ तो दूसरी एंट यहाँ पे है, डायगनली ऑपोजिट, ये ए है तो ये एंट बी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फेवरेबल केसेस गिनने हैं, फेवरेबल केसेस, ठीक है। फेवरेबल केसेस हमारे पास होंगे ये एंट किस वे में, फर्स्ट फोर मूव्स चलनी है तो हर मूव में फेवरेबल केसेस काउंट करते हुए चलेंगे। पहले एंट ए देखते हैं, एंट ए फर्स्ट मूव जब चलेगा तो वो यहाँ से इधर जा सकता है, यहाँ से इधर जा सकता है, यहाँ से इधर जा सकता है। तो तीन केसेस हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो तीन में से किसी भी एक में जा सकता है। तीन में से किसी भी एक में जाने के बाद अब जैसे कि वो यहाँ पे आ गया तो उसके पास दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो वो ऊपर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। एंड वो दोनों साइड जा सकता है तो उन दोनों में से किसी एक में जाएगा। जब वो यहाँ इधर से इधर, यहाँ पे फर्स्ट मेरा इधर हुआ, पहले मैंने ये कंसिडर किया था मेरा फर्स्ट मूव, अगर ये हुआ तो वो यहाँ से इधर जा सकता है, ये यहाँ से इधर जा सकता है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। सिमिलरली अगर उसका फर्स्ट मूव यहाँ पे पहुँचना हुआ तो वो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ किसी भी एक पॉइंट पे जा सकता है। मतलब दूसरी मूव चलने के दो में से कोई भी एक पॉसिबल वेज है, ठीक है। अब मैं सेकेंड मूव मैंने चल दिया, अब अगर जैसे कि मैंने फर्स्ट मूव मेरी चली ये, सेकेंड मूव मैं चला ये, तो मेरे पास जो मेरी थर्ड मूव है या तो मैं इधर आ सकता हूँ या इधर जा सकता हूँ, बट मुझे फोर मूव्स में वापस इस पॉइंट पे आना है, हेंस मुझे इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा ताकि थर्ड मूव में मैं यहाँ पे पहुँचूँ एंड फोर्थ में मैं वापस आ जाऊँ। हेंस थर्ड मूव किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, अगर मैं फर्स्ट मूव ये ले लूँ, सेकेंड मूव मेरा ये ले लूँ, तो इसके बाद मुझे वापस नीचे ही आना पड़ेगा ताकि फोर में कंप्लीट कर दूँ, इधर नहीं जा पाऊँगा। हेंस जो हमारे पास फाइनल डिसीजन होगा एक ही पाथ होगा, वन सी वन, एंड लास्ट मूव चलने का एक ही पॉसिबल वे बचेगा, उसके अलावा कोई वे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये मेरे पॉसिबल, ये मैं फेवरेबल केस गिन रहा हूँ, टोटल पॉसिबल केसेस नहीं, इसलिए लास्ट में मेरे पास एक ही चांस, एक ही पॉसिबल मूव बचेगा जो अवेलेबल होगा। तो ये फेवरेबल केसेस आ गए, दैट इज सिक्स, ठीक है। ये मेरे पास ए का है, ए टोटल केसेस गिन लेते हैं। टोटल केसेस इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे था तो टोटल केस मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फर्स्ट मूव के बाद तीन में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सेकेंड मूव, अब मैं अगर मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पास दो पॉसिबल वेज हैं तो मैं दो में से कहीं भी जा सकता हूँ। अब मैं इधर अगर आ गया तो मेरे पास दो पॉसिबल वेज हैं, मैं दो में से कहीं भी जा सकता हूँ। एंड अगर मैं इधर आ गया तो मेरे पास दो पॉसिबल वेज हैं, मैं दो में से कहीं भी जा सकता हूँ। ये मेरे आगे टोटल केसेस, दैट इज 2 × 2 × 2 × 3, दैट इज 24। देयरफोर प्रोबेबिलिटी कि ए कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजिशन वो हो गया फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, दैट इज 1/4, ठीक है। और क्योंकि ये जो क्यूब है ये सिमेट्रिकल फिगर होती है, तो जैसे ए चलेगा वैसे ही बी चल सकता है, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्स बैक। ये भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे सिमेट्रिकल फिगर के कारण। देयरफोर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ रिटर्न टू स्टार्ट ये हो जाएगा 1/4 × 1/4 = 1/16, ठीक है। क्योंकि ए और बी जो है हमारे इवेंट्स जो हैं, ए का कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चलना
बी के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हेंस प्रोबेबिलिटी कि बोथ विल रिटर्न टू द स्टार्ट इज 1/16। तो ये हमें गिवन है m बाय n के इक्वल, तो m हुआ ये, n हुआ ये, देयर फोर एम प्लस एन की वैल्यू आ गई 1/16, दैट इज 17। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 17। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।